नया एटीएम कार्ड कितने दिन में घर के पते पर पहुंचता है क्या जानते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया अपडेट के बाद 1 सितंबर 2022 के बाद नया अपडेट यानी कि एटीएम कार्ड के चार्ज में जीएसटी के साथ नया एटीएम कार्ड चार्जेस लिस्ट के बारे में उन्होंने अपना जो है एटीएम कार्ड कुरियर से शुरू किया है यानी कि इंडियन पोस्ट के जरिए शुरू किया है। ये जो है काफ़ी पहले ही शुरू कर चुके हैं लेकिन इसे 1 सितंबर के बाद और थोड़ा बूस्ट दिया गया है यानी कि और इसमें तेज़ी लाई गई है। तो ये जो है 1 सितंबर 2022 से नया पोर्टल भी लॉन्च किया है इन्होंने जिसमें आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वीडियो के वैसे अकाउंट इनका काफ़ी ज़्यादा समय लगे जा रहा है ओपन होने में, कम से कम 1 से 1.5 महीने के बाद अकाउंट नंबर बहुत ही प्रोवाइड हो रहा है। कमेंट में बहुत ही कोई मुझे कमेंट किया कि सर 1 महीने बाद हमें अकाउंट नंबर मिला लेकिन अभी तक डेबिट कार्ड चेकबुक नहीं मिला है। एक्चुअली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चेकबुक और एटीएम कार्ड भी देगी लेकिन क्योंकि आप इसका प्रूफ है कि आप जो मतलब जब आप वीडियो के वैसे अकाउंट ओपन करते हैं उसमें आपको वहाँ लिखा हुआ है कि एक व्हाइट पेपर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है यानी कि सिग्नेचर का मतलब है आपका सिग्नेचर अपडेट होकर आपको चेकबुक प्रोवाइड किया जाएगा। और ये मेंशन नहीं किया गया है कि चेकबुक जो है आपको बैंक से मिलेगा या आपको मतलब घर के पते पर सेंड किया जाएगा। एक्चुअली चेकबुक सेंड नहीं करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अगर आप घर पे मतलब अकाउंट में सॉरी अगर आप ब्रांच में विजिट करके अकाउंट ओपन करवाएंगे तब आपको घर के पते पर चेकबुक सेंड किया जाता है। वैसे ही ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने पर SBI में आपको ATM कार्ड सिर्फ दिया जाता है, चेकबुक नहीं दिया जाता है। उसी तरह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नया ATM कार्ड और चेकबुक ये आपके घर के पते पर ऑफलाइन जरिए आप अकाउंट ओपन करेंगे 5,000 रुपये में, तब आपको 15 से 20 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने का समय लगता है इंडियन पोस्ट के जरिए आने में। वो भी इंडियन पोस्ट वाले को जो कुरियर होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपका ATM कार्ड कितने दिन में आपके घर के पते पर पहुंचाना रहता है, क्योंकि वो जो ATM कार्ड है इंडियन पोस्ट के ऑफिस में पड़ा रहता है, वहाँ से उनको कब मतलब उनका जो भी आपका पिन कोड है उस एरिया में उसे पहुंचाना रहता है, लेकिन वो कभी कभी उससे उनका ज़्यादा सुविधा है कि वो रिटर्न कर दे। अब रिटर्न आपका होम ब्रांच है रिटर्निंग एड्रेस या आपका मुंबई का हेड ब्रांच, एक्चुअली ज़्यादातर रिटर्न एड्रेस जो है मुंबई के हेड ब्रांच में रहता है, इसलिए अगर आपका एक बार ATM कार्ड रिटर्न चला गया वो दोबारा मिलने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ से हाँ अगर ब्रांच में अगर रिटर्न चला जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि आप ब्रांच में अगर कभी पता करेंगे तो आपको ब्रांच में हो सकता है जल्दी मिल जाए, लेकिन अगर ब्रांच में नहीं आता है अगर मुंबई में हेड ब्रांच में चला जाता है रिटर्न तो ये काफ़ी मतलब फिर से आपको अप्लाई करके रिक्वेस्ट करके फिर से वही ATM कार्ड नहीं आएगा, उसके बाद आपका ATM कार्ड का नंबर भी चेंज कर जाएगा। अगर आप मोबाइल बैंकिंग से अप्लाई करेंगे तो वहाँ दिखाएगा ऑलरेडी अप्लाइड, और आपका अगर ऑफलाइन से अप्लाई करेंगे तो ऑफलाइन के जरिए अप्लाई हो जाएगा ATM कार्ड का दोबारा, लेकिन चार्ज भी कटेगा क्योंकि अगर आपका क्योंकि वो पुराना वाला ATM कार्ड तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, नया ATM कार्ड इशू किया जाएगा इसलिए नया ATM कार्ड का भी चार्ज लिया जाएगा। और आपका ATM कार्ड में इंडियन पोस्ट के जरिए पहुंचने का समय 1 से 1.5 महीने इसे सितंबर के बाद बदला गया। वैसे पहले तो इनका समय था 3 महीने में कम से कम ये घर के पते पर पहुंचता था, लेकिन इसे 2023 में प्रीपेड कार्ड और वर्चुअल कार्ड भी लॉन्च होने की बात है। अगर प्रीपेड कार्ड वर्चुअल कार्ड लॉन्च हो जाता है उसमें आप UPI काफ़ी आसानी से कर पाएंगे, जिससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मान लीजिए आपका ATM कार्ड नहीं आया योनो SBI से सभी काम कर सकते हैं, उसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी आप भीम एप्लीकेशन में आधार 20 UPI लिंक करके कभी मतलब सभी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको आधार कार्ड पहले बैंक अकाउंट में लिंक करवाना होगा। और ATM कार्ड मिलने का समय है 3 महीने कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा। इंडियन पोस्ट में भी आप 1 महीने में क्या कीजिएगा 1-1.5 महीने में इंडियन पोस्ट ऑफिस में पता कीजिएगा, उसके बाद आपका होम ब्रांच जो है उसमें भी पता कर लीजिएगा। आई होप कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, कोई भी सवाल हो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा।